सुंदरवन के घने जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी। गरजते बादलों से आसमान भड़कने लगा। जोरों की हवा से जंगल में पेड़ बहुत हिल रहे थे। उससे घोंसले गिर जाने पर बहुत उदास होकर एक पेड़ के ऊपर टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा, बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया सभी एक जगह रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया बारिश और हवा से डरते हुए अपने दोस्तों से कहती है, मैंने बहुत बार बोला था कि मिट्टी का घर ही अच्छा है। ऊपर से तुम सब मेरा मजाक उड़ाते थे। अभी देखो हमारी स्थिति क्या हो गई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, चारों ओर खतरा ही खतरा छाया हुआ है। इतनी भयानक बारिश और जोरों की हवा में शायद हमारी मृत्यु कायम है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों तो आज इस मातलिस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, जोरों की बारिश और जोरों की हवा से बांस की लकड़ियों का घर भी नहीं रहा। सिर्फ मिट्टी का घर ही बारिश से और गड़गड़ाहट से हमें बचा सकता है। तुम तो बहुत बार बोली पर हमने नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारी बात ना मानकर हम सब बारिश में भीगने की सजा भुगत रहे हैं। माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, अब हम क्या करें? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए। बस अभी इस बारिश से हमें बचा लो। लेकिन अब इतनी मूसलाधार बारिश में भीग हुई मिट्टी से घर बनाना तो नामुमकिन है। लेकिन हम ऐसे बारिश में भी भीग नहीं सकते ना, तो अब हम क्या करें? मैं भी वही सोच रही हूँ। एक काम करते हैं, कालू भैया पहले घर बनाने के लिए पत्थर लाएंगे, फिर बंटी भैया मिट्टी ले आएंगे। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं भी जाता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर कालू कौवा उस पेड़ से उड़कर बारिश में भीगकर बरसते बादलों से डरकर पूरा जंगल ढूंढने लगा। जोरों की बारिश होने पर चारों बाढ़ का पानी ही था, उसमें मिट्टी या पत्थर कहीं दिखाई नहीं देते। कालू कौवा पूरा जंगल घूम घूम कर थक हार कर वापस अपने दोस्तों के पास लौटता है। तभी बंटी कबूतर उससे कहता है, क्या रे कौवा, बहुत बातें बोल रहा था तू तो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बता कहाँ है पत्थर? कालू को वो दास चेहरा लेकर सबसे कहता है, इतनी बारिश में पानी ही रहेगा ना, मिट्टी और पत्थर थोड़ी ना मिलेंगे। सबको पता था कि तुम्हें पत्थर नहीं मिलेगा और ना ही मिट्टी, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनता ना, इसलिए हम सब चुप रहे। टुनटुनी चिड़िया के ऐसे कहने पर कालू को चुप रह जाता है। इतने में आसमान से गड़गड़ाहट आकर उस पेड़ पर पड़ती है, फिर उस पेड़ को आग लग जाती है। सभी पक्षी हवा में उड़ जाते हैं। आग जल रही थी, उस पेड़ को देखकर सभी पक्षी डर गए। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मन में कहती है, लगता है इन सबको मेरी कीमत समझ में आ गई है। अब इन सबको और परेशान करना ठीक नहीं है। मेरे पहले से बनाए मिट्टी के घर में मैं इन सबको ले जाती हूँ, तब इन्हें मेरी दूरदृष्टि समझ में आएगी। उसके बाद बारिश में भीग के जल रहे पेड़ को देखकर डर रहे पक्षियों से टूनी चिड़िया कहती है, देखिए लगता है इतनी जल्दी बारिश कम नहीं होगी। बताओ ना हम सब क्या करें? हाँ टुनटुनी चिड़िया, हवा भी बहुत जोरों से चल रही है, गरजते बादल हमें बहुत डरा रहे हैं, पता नहीं गड़गड़ाहट कब गिरेगी। चलो मैं तुम सबको एक जगह ले जाऊंगी, बारिश कम होने तक हम सब वहीं रहेंगे, ठीक है ना? टुनटुनी चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी खुश होकर सर हिलाते हैं। टुनटुनी चिड़िया आगे जाने लगी, बाकी पक्षी चिड़िया के पीछे जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद पक्षियों को एक जगह मिट्टी का घर दिखाई देता है। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया के साथ सभी पक्षी उस मिट्टी के घर में आते हैं। चिड़िया उस घर में बॉनफायर जलाती है। सभी पक्षी बॉनफायर की ओर बैठकर गर्मी सेक रहे थे। टुनटुनी चिड़िया सच बोल, ये मिट्टी का घर तेरा ही है ना? हाँ मेरा ही है, उस दिन मैंने तुम सबसे बोला पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दिन रात मेहनत करके मैंने अकेली ने ये मिट्टी का घर बनाया। यही मिट्टी के घर ने आज हम सबकी जान बचाई है। टुनटुनी चिड़िया सच में हम सब तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे, तुम्हारा जैसा दोस्त पाकर हम सब बहुत खुश हैं। अरे अब तक तो हम सब बारिश में भीग कर मर जाते, लेकिन तुमने हमें बचा लिया टुनटुनी।
लेकिन अभी तो हमें बहुत भूख लग रही है, अब उसका क्या करें? अरे दोस्तों, उसका पूरा इंतजाम भी मैंने कर रखा है, मुझे पता है तुम सबको क्या पसंद है, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया उस मिट्टी के घर में रखे चूल्हे पर खिचड़ी पकाती है और सबको खिलाती है। वो सब खुशी खुशी खिचड़ी खाते हैं। टुनटुनी अपने दोस्तों को मूसलाधार बारिश से बचाकर अपने मिट्टी के घर में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पाँच सालों से जिस जंगल में बारिश नहीं हुई थी, आज इस जंगल के आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, इसलिए जंगल वाले पक्षी बहुत खुश हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, मिट्टी सूखी पड़ी हुई है, आज बारिश होगी तो फिर से हम खेती बाड़ी कर पाएंगे। सब पक्षी खुशी से झूम तो रहे थे, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि ये बारिश उन पक्षियों के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है। जंगल का मजदूर कालू का वो काम खत्म करके जल्दी घर चला आया। उसने अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी सुनहरी बिटिया अभी तक घर नहीं आई है। नहीं जी, दोपहर को खेलने गई थी अपने दोस्तों के साथ, उसे अभी लाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। कालू कौवा अपनी बेटी को वापस लाने के लिए निकल गया। उधर सुनहरी अपने चार दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। ए बुलबुल, तू चीटिंग कर रही है। नहीं नहीं, मैं सही खेल रही हूँ, ये लूसी चीटिंग कर रही है। सुनहरी, लूसी, बुलबुल और चंपा, ये चार बच्चे ऐसे हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे, तभी अचानक से नदी में बड़ी बड़ी लहरें आना शुरू हो गई। सुनहरी देख तो, नदी में पानी बढ़ रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है? लगता है कहीं तेज बारिश हो रही है, यहाँ भी होने वाली है, चल घर चलते हैं। चारों बच्चे घर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी तेज बारिश आ गई। चारों बच्चे एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए, लेकिन बारिश पड़ती गई और अचानक से नदी से बहुत सारा पानी ऊपर आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में चारों बच्चे बहने लगे। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कालू कौवा वहाँ पहुँच गया था, बच्चों को बहता हुआ देखकर वो भी चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पिताजी पिताजी पिताजी। सुनहरी। कालू चार बच्चों को रोक नहीं पाया, वो बच्चे बहते हुए पानी में बह गई। बहते बहते वो बच्चे बहुत दूर चले गए। सुनहरी हम मर जाएंगे, हमें बचा लो। हाँ सुनहरी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे, कुछ तो करो। इन चारों में से सुनहरी सबसे अक्लमंद थी, उसने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ टूटकर बह रहा है। सुनो सब लोग, हमें उस बहते हुए पेड़ के पास जाना है और उस पेड़ को पकड़कर रहना है, नहीं तो हम सब डूबकर मर जाएंगे। वो चारों बच्चे किसी भी तरह उस पेड़ के पास पहुँचे और उस पेड़ को पकड़कर बहने लगे। लेकिन ये पेड़ हमें कहाँ ले जाएगा? पता नहीं कहाँ, लेकिन हमें जिंदा रहना होगा, किसी भी तरह बस पेड़ को कस के पकड़े रहो। दिन बीत गया, वो चारों बच्चे बहते चले गए। चलो अच्छा है हम जिंदा हैं, जल्दी करो अपने परों को सुखा लो। लगता है हम किसी दूसरे जंगल में आ गए हैं, हमें कोई एक पेड़ पर जाना होगा, वहाँ खाना मिल सकता है। सुनहरी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी उन लोगों के सामने स्वयं मौत आकर खड़ी हो गई। एक मगरमच्छ ने पानी के नीचे से अपना मुंह ऊपर किया। अरे ये तो मगरमच्छ है, अब भागो भागो, ये हमें खा जाएगा, जल्दी जल्दी पेड़ों की ओर चलो। वो पेड़ को धकेलते हुए वो चारों जमीन की ओर जाने लगे। वो मगरमच्छ उनका पीछा करने लगा। भागो जल्दी भागो मगरमच्छ। चारों बच्चों ने पेड़ के तने को छोड़ दिया और जमीन पर आ गए। बाल बाल बच गए, ये खतरनाक नदी है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। भगवान ने हमें जिंदगी दी है, अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। हाँ सुनहरी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाना ढूंढना होगा। चारों खाना ढूंढने में लग गए। दोस्तों यहाँ आओ, यहाँ पेड़ में कुछ फल है, चलो इसे खाते हैं। बुलबुल पेड़ के तने पर बैठ गई, जहाँ फल लगे थे उस पेड़ पर पहले से एक बड़ा सा सांप रेंगते उठ रहा था। उसने बुलबुल को देखा और तुरंत बुलबुल को काट लिया। बुलबुल नीचे गिर गई। अरे ये क्या हो गया बुलबुल बहन, आंखें खोलो बुलबुल, आंखें खोलो।
बुलबुल को सांप ने काटा है, कुछ करना होगा। इसके शरीर से जहर निकालना होगा। मुझे जहर निकालना आता है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था। सुनहरी चिड़िया ने बुलबुल को जहाँ सांप ने काटा था वहीं पर मुंह लगाकर जहर चूसने लगी। जहर चूस कर वो बाहर थूक देने लगी। इस तरह उसने बुलबुल के शरीर से सारा जहर निकाल दिया। बुलबुल ने आंखें खोली। मैं जिंदा हूँ, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। हम सब दोस्त हैं बुलबुल, इस खराब समय में हमें एक साथ एकजुट होकर रहना ही होगा। बुलबुल चिड़िया ने सभी को गले लगा लिया। दूसरी तरफ सुनहरी के माता पिता, किस हालत में होगी मेरी बेटी? सुनहरी की माँ टुनटुनी चिड़िया तो बस रोए जा रही थी। वो बस एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आप बस हमारे बच्चों को सही सलामत रखना, बस वो जिंदा रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे जिंदा थे लेकिन कब तक रह पाते? जंगल में बहुत सारे खतरनाक जीव रहते थे, शेर, मगरमच्छ, चीता, सांप, इन सब चीजों से उन्हें खतरा था। तभी उनकी नाक में खुशबू आई। उन दोस्तों ने देखा कि पासी में झाड़ी में कुछ फल लगे थे। उन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ गया। चारों ने झाड़ियों से फल तोड़कर पेट भरकर खाए, लेकिन उसके बाद चारों के चारों बेहोश हो गए। तभी एक पंछी जिसकी चोंच बड़ी थी वहाँ से जा रही थी। अरे ये क्या, चार चिड़िया के बच्चे जंगल में क्या कर रहे हैं और इस तरह से बेहोश क्यों पड़े हैं? वो पंछी पास आई और सब कुछ समझ गई। लगता है भूख के मारे इन लोगों ने जहरीला फल खा लिया। इन लोगों को बचाना होगा। उस पंछी ने चारों को एक जादुई जल पिलाया। कुछ देर बाद चारों को होश आया और वो बच्चे खड़े हो गए। तुम लोगों ने जहरीले फल खा लिए थे इसलिए बेहोश हो गए, अब तुम सब ठीक हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम बाढ़ की वजह से यहाँ आ गए हैं, हमें रास्ता नहीं पता। क्या तुम्हें इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है? इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। तुम लोगों को जिंदा रहना है तो तुम इस जंगल में ही रहना सीखना होगा। वो पंछी चारों को अपनी चोंच में बिठा कर एक ऊंचे पेड़ पर ले गई, जहाँ एक लकड़ी का मजबूत घर था। चारों बच्चे उस लकड़ी घर में रहने लगे। उस पंछी के साथ उनकी दोस्ती हो गई। नसीब किसे कहाँ ले आए ये किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। चाहे कोई भी मुसीबत आए हमें मुकाबला करना होगा।